यूपी बोर्ड में दो विषय में फेल सब्जेक्ट का इम्प्रूवमेंट एग्जाम होगा या नहीं होगा, क्या ये सबके मन में सवाल चल रहा है। तो चलिए, एक विषय वालों के साथ क्या होने वाला है और दो विषय में अगर फेल हैं तो क्या होने वाला है। तो चलिए, सबसे पहले मैं उसी पॉइंट को आपको क्लियर कर दे रहा हूं जिससे आपका भ्रम टूट जाए और आप अपनी तैयारी के प्रति लग जाएं। ठीक है, मैं आपको साफ साफ कुछ पॉइंट दिखाना चाहता हूं। ठीक है, उस पॉइंट को जैसे ही आप देखेंगे तो आपको काफी कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो क्या देखना है आपको, यहां पे लिखा है स्टूडेंट्स हु हैव गिवन 10th 12th क्लास एग्जामिनेशन एंड डिक्लेयर्ड फेल्ड इन एग्जामिनेशन इन वन आर टू सब्जेक्ट, आप एक या दो विषय में फेल हैं, आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द इम्प्रूवमेंट एग्जाम फॉर्म 2022। ठीक है, वो व्यक्ति इम्प्रूवमेंट एग्जाम का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक ना, कौन, जो एक विषय में फेल हैं या तो फिर दो विषय में फेल हैं। तो प्लीज आप दो विषय में फेल वाले भी आप घबराएं नहीं, इस बार से आप लोग का ये नियम लागू होने वाला है, बस कुछ दिन का इंतजार है नोटिफिकेशन आने का।